हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑरा साइंस प्लस। मैं अभिषेक और आज मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से लेकर इसके एडवांस कॉन्सेप्ट तक पढ़ेंगे, जो कि आपको सभी क्लासेस में बहुत हेल्पफुल करेगा, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हों चाहे वो आपके कॉम्पिटेटिव क्लासेस हों। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है, इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज अपनी मॉडर्न सोसाइटीज़ में। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी एट होम, एट ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ करते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में और अपनी फैक्ट्रीज में। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया? इलेक्ट्रिसिटी सिंप्लीफाइज अवर वर्क एंड मेक्स अवर लाइफ कंफर्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे कामों को आसान कर दिया, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया एंड हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन अवर मॉडर्न सोसाइटी। और आज इलेक्ट्रिसिटी का हमारी मॉडर्न सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब बात करें कि हम बहुत से वैरायटी ऑफ थिंग्स यूज करते हैं अपने घरों में, एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अप्लायंसेस लाइक एज सच इज वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर प्योरीफायर्स, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, CFL। देर आर लॉट ऑफ अप्लायंसेज विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू अवर होम जो होती है वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब हम किसी चार्ज को रेस्ट में स्टडी करते हैं। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि नेम दी पावर प्लांट विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि आपको ऐसे पावर प्लांट्स बताने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक जनरेशन। इलेक्ट्रिक जनरेशन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ द अर्थ इनटू इलेक्ट्रिक करंट, कि यानी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अगर हम बात करें अपने एंशियंट पावर प्लांट जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में हम यह यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न टू प्रोड्यूस स्टीम एंड विच रन टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में बच्चों आपके फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाता है, लाइक कोल को यूज़ किया जाता है वाटर को गर्म करने के लिए, जिससे वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम से टर्बाइंस को मूव कराया जाता है। तो टर्बाइंस हमारी जनरेटर से अटैच होती हैं जो क्या करती हैं, जनरेटर के ब्लेड्स को घुमाने में यानी उनकी कॉइल्स को घुमाने में हेल्प करती हैं, और वहाँ एक प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम बात करते हैं कि नेम दी बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। तो बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है बच्चों विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, यानी मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है जो कि बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का। सेकंड बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस प्लांट हम क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं बड़े बड़े डैम्स को बनाकर, और उसमें उनकी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है टर्बाइंस के ब्लेड्स को घुमाती है, और जहां पर आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है दैट इज कॉल्ड कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दैट इज सिचुएटेड इन सटारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बच्चों और भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए और भी पावर प्लांट्स हैं, फिलहाल हमने बेसिक टू पावर प्लांट्स के बारे में बात की है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी गेट टू अवर होम्स। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी गेट टू अवर होम्स, कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यूज रॉ मेटेरियल ऑफ द अर्थ इनटू इलेक्ट्रिकल करंट एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ह्यूज जनरेटर विच आर ड्राइवन बाय वाटर स्टीम और वेट। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट में हमने क्या यूज़ किया था, कोल को यूज़ किया था, तो वाटर को हमने जो हीट किया तो उससे हमने क्या प्रोड्यूस की,
स्टीम प्रोड्यूस की। और स्टीम प्रोड्यूस से क्या होता है कि वो हमारे टर्बाइंस को रोटेट करते हैं, तो जनरेटर की जो कॉइल है जब वो रोटेट करती है तो उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा जो कि हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर का काम होता है बच्चों वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूटेड हाई वोल्टेज थ्रू केबल लैड इन द ग्राउंड और थ्रू ओवरहेड लाइंस टू सब स्टेशन। वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब स्टेशन तक पहुंचाई जाती है, और सब स्टेशन से हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचा दी जाती है बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है, और जो हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होते हैं बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम बात करते हैं एससी ऑरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने 1820 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया। इन्होंने क्या था कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने कई प्रैक्टिकल्स किए और जिसके हेल्प से उन्होंने कहा कि जब भी किसी वायर से करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस बात से ये बात पता लगा कि मूविंग चार्ज इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब भी कोई चार्ज मोशन करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जिससे ये बात क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताती है। तो इसका जस्ट हमारा रिवर्स सोचा माइकल फैराडे ने, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया। तो माइकल फैराडे ने इसका जस्ट रिवर्स सोचा, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। आंसर इज यस। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल दिया जिस प्रिंसिपल पे हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर ऑपरेट होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को रोटेट कराएं, या रिलेटिव मोशन हो कॉइल या मैग्नेट का, या हम उसे बोल सकते हैं कि किसी भी कॉइल के पास हम किसी मैग्नेट को लेकर जाते हैं, तो वहाँ बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कॉइल है हमारी और ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, तो अगर हम किसी मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेट है, अगर हम उसके पास लेकर जाते हैं तो इसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है अगर हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखें। तो माइकल फैराडे ने इस प्रिंसिपल को दिया, और जिस प्रिंसिपल पे हमारा सबसे फर्स्ट जनरेटर जो बनाया गया वो हिप्पोलाइट पिक्सी ने बनाया था 1832 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए। तो जो फर्स्ट जनरेटर है बच्चों वो मैं आपको बता सकता हूँ, फर्स्ट जनरेटर वॉज बिल्ट बाय हिप्पोलाइट पिक्सी इन 1832 में सबसे पहला जनरेटर यूज़ किया गया जो कि माइकल फैराडे ने बनाया था। माइकल फैराडे ने 1831 में यह प्रिंसिपल दिया और इसी 1832 में इलेक्ट्रिकल जनरेटर बनकर तैयार हो गया बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नेम ऑर्गेनिज्म विच गिव इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी इन नेचर, एज वी नो दैट सम ऑर्गेनिज्म स्पेशली फिशेज कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक इन डिफेंस, दैट इज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं, और ये ज़्यादातर हम देखते हैं फिशेस के अंदर। जैसे आपने सुना होगा स्टिंग यानी रे फिश बोला जाता है, कैटफिश एंड इलेक्ट्रिक ईल। और इलेक्ट्रिक ईल के बारे में बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ईल जो है वो द इलेक्ट्रिक ईल जनरेट
वोल्टेज अप टू 600 वोल्ट इन स्पेशल मसल्स। इलेक्ट्रिक ईल में आपकी स्पेशल मसल्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं और उसकी हेल्प से वो 600 वोल्ट अपना करंट जनरेट कर लेते हैं बच्चों। तो ये थी आज की क्लास हमारी।